एक दिन में कुवैत में कितनी सैलरी होती है। अगर पर डे हम काम करना चाहे तो कुवैत में कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप पर डे कुवैत में काम करना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं कि एक तो आप यहाँ आकर बाहर काम करें, दूसरा होता है कि आप आज़ाद वीज़े में आए। अब आज़ाद वीज़ा इस समय बहुत महंगा मिलता है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आई होप आप अच्छे होंगे और खैरियत में होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई महबूब आज आपको बताना चाहूँगा कि कुवैत में एक दिन में कितनी सैलरी मिलती है और एक दिन में कितना सैलरी हमारी आ जाती है अगर हम नया वीज़ा लेके जाते हैं तो। अगर आप किसी के अंडर में काम करने आओगे कुवैत में तो आपकी सैलरी रहेगी 3 KD से लेकर 6 KD के बीच में। पर डे की सैलरी आप जोड़ लीजिए 3 KD से लेके 6 KD के बीच में। अब ये होता है आप किसी के अंडर में काम करने आ रहे हो। अगर आप किसी के अंडर में काम करने आओगे तो आपकी ये सैलरी होगी। अगर इससे ज़्यादा आपको सैलरी चाहिए, आप किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते हैं तो आपको 20 नंबर वीज़ा आसानी से मिल जाता है कुवैत का, जो कि आपका जान पहचानने वाला या कोई एजेंट के जरिए आप 20 नंबर वीज़ा लेके कुवैत आ जाइए। 1 महीना आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, 1 महीने के बाद में आपके यहाँ पर लाइसेंस डॉक्यूमेंट सब बन जाएगा, तो आप उसके बाद में आप दिल्ली के 10 KD से लेके 15 KD और 15 KD से लेके 20 KD तक आप पैसे कमा सकते हैं, और 20 से लेके 30 KD तक भी बाहर काम करके पैसे कमा सकते हैं। आप ये ना समझिए कि ये वीज़ा आज़ाद है, ये वीज़ा भी इलीगल रहता है। शायद 18 नंबर वीज़ा हो कुवैत में या 20 नंबर वीज़ा हो, अगर आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, आप 18 नंबर और वीज़ा और 20 नंबर वीज़ा को पैसे देके ख़रीद रहे हो, इंडिया के 800 KD से 1200 KD के बीच में आपने पैसे लगा के 1 साल का या 2 साल का वीज़ा आपने लगाया है, तो आपका वीज़ा ये इलीगल में आएगा। लेकिन हाँ, आसानी से यहाँ आपको कोई भी पकड़ेगा नहीं जब तक कि आप कोई बड़ी गलती ना कर दो, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या जैसे कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तब तक आपको कोई नहीं पकड़ेगा। सब चीज़ आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है या कामा है, यहाँ का सिविल आईडी है, सब चीज़ है, तो आपको कोई भी नहीं पकड़ेगा यहाँ कुवैत में। आप काम कर सकते हो और वो आपके नसीब में। ये आज़ाद वीज़ा में नहीं आता है क्योंकि ये भी इलीगल वीज़ा में ही आता है, ये बात हमेशा याद रखे। बहुत सारे भाइयों का सवाल रहता है कि आज़ाद वीज़ा कैसे ले कुवैत का। आज़ाद वीज़ा दोस्तों कुवैत का नहीं होता है, 20 नंबर और 18 नंबर वीज़ा ही ज़्यादातर कुवैत से निकलते हैं। 20 नंबर हो निकाल सकता है जो कि यहाँ का नागरिक है, 18 नंबर हो निकाल सकता है कि जो बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ी कंपनी है, वो बड़ा जो बड़ा जमिया का मालिक है, ये चीज़ें 20 नंबर 18 नंबर वीज़ा निकाल सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ से आने के बाद में आप अगर कुवैत में नए आ रहे हो 4 से 5 लाख रुपए लगा के, तो आप सोच समझ के कदम रखना, क्योंकि इतना इजी आपके लिए नहीं होता है। हाँ, आपके लिए इजी जब हो जाता है जबकि आपका कोई बंदा वहाँ पे कुवैत में है जो कि आपको ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ हर टाइम हर कदम खड़ा रह सके, तो ही ये कदम उठाना। नहीं तो दोस्तों 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मत आना, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर सबसे पहले आप आओगे तो आप यही इंडिया के 4 से 5 लाख रुपए लगा के आप कुवैत में पहुँच भी गए तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा आपके रहने के लिए रूम, उसके बाद में आपका खाने का, उसके बाद में आपका काम पे जाने का तरीका। अगर आपके पास काम ड्राइविंग है तो आसानी से गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर डिलीवरी बॉय का है फिर भी आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आप लेबर का काम करोगे तो आपको जाने आने का वो भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि या तो बस के
कांटेक्ट में जाओगे या टैक्सी के कांटेक्ट में जाओगे तो भी ये आपके लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 से 25 दिन में आपका यहाँ सिविल आईडी बन के आपके हाथ में आएगा, तभी आप काम कर सकते हो। हाँ, आपका कोई जान पहचान रिश्तेदार है तो उनके ज़रिए आप उसकी रिसक पे काम कर सकते हो। बहुत सारी दोस्तों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गल्फ कंट्री में इतना इजी नहीं होता है। जो आजकल यूट्यूब पे जो वीडियो आपको दिखाया जाता है उसमें से 50% सच होता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के न्यू इन्फॉर्म डालते रहते हैं।